का चल आप सबका मेरी न्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और इस चैनल में मेरी बहन भी मेरा साथ देने वाली है। और रही बात आज के वीडियो की, तो मैं आज के वीडियो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आज का वीडियो रहेगा 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड, जिसमें मैं और मेरी बहन मिलकर 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट को होस्ट करेंगे। सो लेट्स कॉल हर, मिलिए मेरी बहन से। हाय गाइस, माय नेम इज जील गज्जर और आज मैं अपनी बहन के साथ 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो को रोस्ट करने वाली हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अवर न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट का, कि पहले क्या है। ओके सो देखिए, अच्छा चलिए, इसमें दवाई की पैकेट है, उसमें टूथपेस्ट डाल रहे हाँ, और उसके ऊपर बेकिंग सोडा और उसको कवर अप कर दिया है एक शीट से। एंड देन ये मैडम उस दवाई के बॉक्स में से कोलगेट निकाल के उसको मुंह में डाल के उसका ब्रश करी। मतलब ये क्या बात हुई, तुम सिंपली ट्यूब लेके जा सकते हो और उसको ब्रश कर सकते हो, तो तुमको ये दवाई का पैकेट ढूंढने का, उसमें ट्यूब डालने की, उसमें बेकिंग सोडा डालने का, तब जाके उसको लेके जाओगे, तब जाके तुम ब्रश करोगे, इससे अच्छा इससे छोटी सी 10 रुपए की कोलगेट आती है उसको भी आप लेके जा सकते हो। अगर आपको कभी ऐसा आगे ना कि आप सबसे वेले हो तो एक बार 5 मिनट अटेंड कर देख लो, आपसे वेले लोग बैठे। ट्रू, इलॉजिकल वीडियो के बाद हम न्यू वीडियो देखने जा रहे हैं। देखते इस वीडियो में क्या इलॉजिकल थोड़ा सेंस हो, लेट्स सी। तो ये मैडम कुछ उतारने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर रखा हुआ है। अब इनकी नजर पड़ती है अपने चंपल पे, वो चंपल को तोड़ रही है, वो हॉट ग्लू लगा रही है, उसके ऊपर दूसरा चंपल लगा रही है, तीसरा चौथा पांचवा, अब उसको पहन के वो चीज वो उतार रही है। मतलब हद है ना, कि अपने घर में ना स्टूल मिलेगा ना डब्बा मिलेगा जी, ना हील वाली चप्पल। हाँ मतलब तुम चंपल तोड़ोगे, उस पे ग्लू लगाओगे, फिर वापस उस पे चंपल रखोगे, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब इतना टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हो। इतने पैसे हैं कि वो सारी चंपल तोड़ के कर ले, उतने में एक स्टूल आ जाए ऑब्वियसली। और स्टूल तो छोड़ो, हम इंडियंस के घर में तो इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, हम उसपे चढ़ के भी वो चीज कभी वाला करने। उस इनलॉजिकल वीडियो के बाद अब हम देखते हैं न्यू है, देखते अब इसमें क्या नया है। अच्छा, अब ये फेंटा डाल दी एक टब में, उसमें एक लकड़ी डाल रही है जिसको वो स्टेबल कर रही है, फिर उसे फ्रीज कर रही है। ठीक है, फ्रीज करने के बाद वो लकड़ी के साथ वो पूरी आइसक्रीम बनी हुई बाहर निकाल रही है। मतलब तुम कभी बाहर से मार्केट में वो खा रहे हैं और एक साइड उसका खुद ना। हाँ, और मतलब तुम कभी मार्केट में गए ही नहीं हो, तुमको मार्केट में आइसक्रीम नहीं मिलने वाली, उसको पॉप कैंडी करके नहीं मिली सारी, इतनी बड़ी आइसक्रीम खाना चाहते हो और उसको पिघलने में भी देर नहीं लगेगी। पिघलने में तो ठीक, पर तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे जब तुमको 2 मिनट लगती है नीचे जाके आइसक्रीम लेके आने में, फिर भी। और मैडम तुमको ऐसे खानी है तो तुम्हारे घर में इतनी सी छोटी सी बॉटल नहीं है जिसमें तुम डाल के वो बना सको तुम्हारी आइसक्रीम, तुमको नहीं, तुमको इतना बड़ा टब चाहिए, उसमें डंडा चाहिए, फिर तुम मतलब उसके साथ बच्चा फ्रेंड्स आवा ना, ऐसा नहीं यार, बच्चा आइसक्रीम के बाद हम देखते हैं कि ये लोग क्या नया लेके आते हैं। लेट्स सी, अब एक बंदा है जो अपनी कीज निकाल रहा है और उसको गर्म कर रहा है, फिर वो जो ब्लैक निशान पड़ा है उसको टेप पर उसका प्रिंट ले रहा है। ठीक है, और प्रिंट लेने के बाद उसको एक प्लास्टिक कप पे लगा रहा है, मतलब फिर उस पर उसका शेप लेके उसको कट कर रहा है और अब उससे वो दरवाजा खोल रहा है। मतलब तुम्हारे पास चाबी थी तो तुमको ये नखरे करने की क्या जरूरत। पर एक मिनट, प्लास्टिक थी करूँ प्लास्टिक उड़ नहीं जाएगा क्या हमारे तालों में, तो वो है ना फालतू की चीजें जाती नहीं है। देखो मैं बता दूँ तुमको, मीन सच्ची में दरवाजा सामने है, चाबी है तुम्हारे पास, उसको तुम खोल सकते हो, फिर भी नहीं, तुमको वो चाबी का गरम करना है, उसको प्रिंट करना है, फिर उसका वो प्लास्टिक पे उसका प्रिंट लेना है, फिर उसको काटना है, फिर उसको खोलना है,
नहीं आया क्योंकि हमारे घर के ताले तो ये प्लास्टिक की चाबी से कभी नहीं खुलते। कहाँ से प्लास्टिक इंपोर्ट करते हो? माशाल्लाह इन लोगों को थोड़ा दिमाग दे दो। यार मेरी बहन क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया। क्यों? ऐसा तो क्या हो गया? इतने वाहियार है थे। तुमको सबसे ज्यादा इलॉजिकल कौन सा लगा वो बता? फर्स्ट स्लीपर वाला। हाँ यार उसमें तो हद ही कर दी थी उन लोगों ने। मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता है घर में जो तुमको चप्पल तोड़ के उसको हाइट में लाना है फिर तुम उसको निकालोगे। सच्ची सच में बहुत बकवास। मतलब मैं 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट वालों के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं इसीलिए ये सब ये बकवास कर। मैं सच्ची बोलूं होंगे सही पर ये तो सबसे बकवास थे। इतना टाइम आजकल कोई वेस्ट ही नहीं करता है। और पहली बात अगर इतना खर्चा अगर मैं अपनी मम्मी पापा के साथ करूँ तो मेरे को मार पड़ेगी। इंडियन पेरेंट्स तो बोलते जाओ डब्बा लेके उस पे चढ़ के उतार देना मेरे को वो चीज। और हमने गलती से एक चप्पल तोड़ दिया ना इन लोगों ने तो इतने सारे तोड़ दिया वही चप्पल सीधा फ्लाइंग चप्पल काल पे। हाँ हमको मार पड़े जोरदार वाली। तुम जैसे वाहियत अखतरे कर रहे ना तो हमको घर से निकालना सच्ची में। तो फिर हम ये वीडियो खत्म। हम ये ट्राई नहीं करेंगे। नीड दिस है। डोंट ट्राई दिस एट होम। यस अगर आपको घर से निकलना है तो ट्राई करो। हाँ ये 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट अपने इंडियन घरों में कभी मत ट्राई करो वरना तुमको अपने फ्लाइंग चप्पल फ्लाइंग किक सुनी होगी फ्लाइंग चप्पल आएगी अपने मम्मी का। तो चलो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आप सबको बहुत मजा आया होगा आपका टाइम पास हुआ होगा जो भी हमारा वीडियो है उसको देखकर। सो थैंक यू। एंड अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना और प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड माय न्यू वीडियो। सो बाय।